राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरी मम्मी रिकवच बना रही है। हम लोगों का कई दिनों से मन कर रहा था रिकवच खाने के लिए, इसलिए मम्मी से बोल रहे थे। मम्मी बोल रही थी अभी घर पर बहुत सारा काम है, इसलिए बाद में बनाएंगे, क्योंकि धान उन भी पीटना था और काटना भी था, इसलिए मम्मी खाली नहीं थी। तो अब मम्मी खाली हो गई है, तो मम्मी आज रिकवच बना रही है हम लोगों के लिए। दोस्तों जिन जिन लोगों को रिकवच खाना पसंद है वो लोग भी आइए और मम्मी के हाथों से रिकवच खाइए, क्योंकि हमारी मम्मी बहुत ही अच्छा रिकवच बनाती है, इसलिए हम लोग हमेशा मम्मी से ही रिकवच बनाते हैं, क्योंकि हम बना ही नहीं पाते हैं, इसलिए मम्मी ही हमारी बनाती है रिकवच। दोस्तों जिन लोगों को रिकवच की रेसिपी चाहिए कमेंट करके वो लोग बताएं और उनके लिए हम लोग रिकवच की रेसिपी भी तैयार कर देंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मम्मी हमारे कैसे रिकवच बना रही है। तो इसके लिए बहुत सारे मसाले भी होते हैं, तो बेसन में मम्मी बहुत सारे मसाले ऐड किए और उसके बाद ये अरवी के पत्ते लिए। दोस्तों चलिए अब मैं बताती हूँ इसे कैसे बनाया जाता है। तो मम्मी सबसे पहले अरवी के पत्ते जो होता है सबसे बड़ा वाला लिए और उसके बाद बेसन के मसाले उस पर फैला दिए अच्छी तरह से, और उसके ऊपर से फिर पत्ती मम्मी ले लेती, फिर मसाले उस पर फैला देती है बेसन के, और पांच छह पत्तियां लेने के बाद मम्मी उस पर मसाले फैला देगी बेसन के और फिर इसे लपेट देती है। तो आप लोग देख सकते हैं मम्मी कैसे इसे लपेट रही है, और इसी तरह हमारे घर पे रिकवच बनता है। तो आप लोग भी देखिए और अपने घर पे ट्राई कीजिएगा रिकवच बनाने के लिए, और इसकी रेसिपी भी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों अरवी के पत्ते बरसात के मौसम में बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, और जैसे ही ठंडी आती है इसके पत्ते ख़राब होने लगते हैं, इसलिए मम्मी बोल रही थी कि आखिरी सीजन में तुम लोग को इस पत्ते के पकौड़े बना कर खिला देती हूँ। दोस्तों आप लोग देखिए मम्मी कैसे बना रही, इसी तरह करके मम्मी सारे पत्ते का लपेट देगी और फिर रिकवच बनाएगी। मम्मी का एक रिकवच पहले से ही बनकर तैयार हो गया और दूसरा मम्मी लपेट रही है। मम्मी अकेले ही ये रिकवच बना रही क्योंकि हम लोग घर पे ही नहीं थे, मैं कॉलेज गई थी और मेरी बहन सब स्कूल गई थी, इसलिए मम्मी को अकेले ही करना पड़ रहा है। हम लोग रहते तो थोड़ा बहुत हेल्प भी करा देते। तो मम्मी यहाँ पे अपना बना रही है और दूसरे तरफ चूल्हे पे भगोना रख दिए, उसमें पानी भी रखी और में बांस के पत्ते भी मम्मी डाल दिए, और मम्मी का पानी गर्म हो गया था इसलिए उसमें रिकवच डाल दिए, और उसके बाद आग को अच्छी तरह से जला लेती, आग भी अच्छे से नहीं जल रही थी। तो यहाँ पे आप लोग देखिए मम्मी का आग भी जल रहा है और इधर थोड़ा सा और ही बनाना था रिकवच। दोस्तों जिन लोगों को रिकवच खाना पसंद है वो लोग भी आइए और रिकवच खा लीजिए। दोस्तों ये दोपहर का क्लिप है, मम्मी एक तरफ तो भगोने चढ़ा दी थी रिकवच के और दूसरे तरफ आ गई है धान को ओसाने के लिए। मैं तो कॉलेज गई थी जब मम्मी धान ओसा रही थी, जिसकी वजह से अकेले ही मम्मी को धान ओसाना पड़ रहा था। एक बार ओसा ले रही थी और फिर उसके बाद झाड़ू लगाकर धान में से सारे कचड़े को बाहर निकाल रही थी। बहुत ही मुश्किल हो रहा था उनको अकेले धान ओसाने में। इस सब काम में तो दो या तीन लोग एक साथ रहते हैं तो यह काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और बहुत ही आसानी से हो जाता है, लेकिन क्या करें मम्मी अकेले घर पर थी इसीलिए उनको अकेले ये सब करना पड़ रहा था। वैसे भी मम्मी के कमर में हमेशा दर्द ही रहता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और झुक कर काम करना पड़ता है। दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बताऊं, आज तो भगवान का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि आज मेरे कॉलेज की बहुत जल्दी छुट्टी हो गई और उसके बाद मैं भी घर पे आ गई और मम्मी के
काम में हेल्प करने के लिए लग गई हूँ मैं भी, वरना मम्मी अकेले ही कितना काम करती। मुझे तो धान ओसाने नहीं आ रहा था, फिर भी मम्मी के लिए मुझे करना ही पड़ेगा। मम्मी मुझे मना कर रही थी और बोल रही थी कि तुम मुझे उठा उठा कर दो और मैं धान को ओसा लूंगी, लेकिन मैंने मम्मी को मना कर दिया। मैं बोली, मम्मी मैं भी सीखूंगी धान ओसाने और कैसे ओसाया जाता है। मम्मी जैसे जैसे बता रही थी मैं वैसे वैसे कर रही थी। मैं ऊपर पंखे के यहाँ धान को ओसा रही थी और मम्मी नीचे बैठकर धान में जो कचड़े थे उसको साफ कर रही थी। इससे मम्मी का बहुत ज़्यादा हेल्प हो गया और मम्मी बहुत ही खुश हो गई। कह रही थी तुम भी ओसाना तो सीख ली हो। थोड़ा बहुत मुझे भी आ रहा था पहले से, लेकिन ज़्यादा नहीं आ रहा था इसलिए मम्मी मुझे मना कर रही थी। फिर भी मैंने मम्मी की हेल्प की और मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। दोस्तों, कोई भी काम कठिन नहीं होता है, बस उस काम को करने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए वो काम करने या सीखने का। दोस्तों, आप लोग मुझे ही देख सकते हैं कि मैंने कोशिश किया और मम्मी का आज बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर पाई हूँ, वरना कोशिश नहीं करती तो मम्मी का हेल्प भी नहीं करती। और मम्मी की कमर में वैसे भी बहुत ज़्यादा दर्द था और मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि मैंने उनका बहुत ज़्यादा आज हेल्प किया। जो काम मैं पहले नहीं करती थी वो काम अब मैं कर रही हूँ। तो हमारा धान भी ओसा गया था और उसके बाद मम्मी बोल रही थी इसी बोरे में धान को भरना है, तो मैं और मम्मी मिलकर धान को भर रहे थे। और उधर देखिए, मम्मी 2-3 बोरे पहले से ही ओसा कर रख दी थी और 2 बोरे ओसाने थे, तो तब तक मैं भी आ गई और मम्मी का हेल्प भी हो गया। दोस्तों, कोई भी कठिन काम हो या कोई बड़ा काम हो उसको देखकर भागना नहीं चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले कोशिश करना चाहिए। जो लोग कोशिश करते हैं वो कभी हार नहीं मानते हैं, जैसे आप लोग मुझे ही देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हम और मम्मी मिलकर धान को ओसा रहे थे और बहुत जल्दी हम लोगों का काम भी हो गया और पूरा धान भी ओसा गया। दोस्तों, आप लोग सोचेंगे ये कहाँ का क्लिप है, ये मेरे घर का ही क्लिप है। मेरे 2 छोटे भाई हैं जो जुड़वा हैं, उनका आज बर्थडे है, तो ये सब अपने बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे मेरी बहन भी आई हुई है जो बैलून फुला रही है और ये छोटी बच्ची भी बैलून फुला रही है। और जिनका बर्थडे है इन दोनों का, तो ये दोनों अपने बर्थडे की तैयारी खुद से ही कर रहे हैं और मेरी बहन भी इन सबका हेल्प करवा रही है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये सब अपने रूम को कितना अच्छा से डेकोरेट किए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये छोटी बच्ची आप लोग को हाय बोल रही है। और उसके बाद ये सब रूम सजा लेते हैं, उसके बाद ये सब तैयार होने के लिए चले गए। और देखिए, ये तैयार होकर आ गया और दूसरा वाला जूता पहन रहा है। दोस्तों, देखिए दोनों भाई तैयार हो चुके हैं और मेरी बहन उधर हंस रही है और उन सब की मम्मी आरती कर रही हैं। दोस्तों, देखिए ये दोनों भाई कितने अच्छे लग रहे हैं और ये सब बहुत ज़्यादा खुश हैं कि इन सबका बर्थडे मनाया जा रहा है। और ये सब बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि कब इनका बर्थडे आएगा। जैसे ही ये दोनों मोमबत्ती को फूंक मारते हैं और सारे लोग बैलून को फोड़ने में लग जाते हैं। गाँव में तो ऐसा ही होता है, जैसे ही केक कट जाएगा तुरंत पूरा बैलून साफ हो जाता है। दोस्तों, केक कट चुका है और सबको दिला भी चुका है। यहाँ पे देखिए मेरा भाई और मेरी बहन कैसे सब डांस कर रहे हैं मस्ती करते हुए। ये सब डांस करने में बहुत ही आगे हैं, आप लोग देख ही सकते हैं इन सबको। उसके बाद मैं वहाँ से आ जाती हूँ और मम्मी पापा खाना मांग रहे थे, तो उसके मैं इन लोगों को खाना दे देती हूँ और ये लोग खाना खा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोग भी आइए, भोजन कर लीजिए। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।